अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास व्हाट्सएप का एक अकाउंट मौजूद है, आप उसको चार मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर यूज़ करना चाह रहे हैं तो कैसे आप यूज़ करेंगे। आप जो है वो एक व्हाट्सएप के अकाउंट को चार मुख्तलिफ मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है वो मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चार मुख्तलिफ डिवाइस के ऊपर आप अपने एक व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आपने व्हाट्सएप की इस ट्रिक का मिस यूज़ नहीं करना है। मिस यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर नज़र रखना चाहे या वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर नज़र रखना चाहे तो वो उसके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल के अंदर जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो उसकी तमाम चैट वगैरह वो देख सकते हैं कि वो किससे क्या बात कर रहा है। तो आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना है, ना ही अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर नज़र रखनी है। तो ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसका मकसद जो है वो ऐसे लोगों की हेल्प करना है जो कि कोई कारोबार वगैरह करते हैं या कोई भी इस टाइप की चीज़ ना, तो जैसे कि कोई कारोबार वगैरह करता है उसने अपना व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो अपने मुलाजम को दिया हुआ है, ठीक है, तो मुलाजम जो है वो क्या करता है कि वो लोगों के साथ डीलिंग कर रहा होता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो बंदा जो है जो कि मालिक है वो उसके ऊपर नज़र रख सकता है, देख सकता है कि वो डीलिंग वगैरह सही कर रहा है या नहीं कर रहा, या कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से जो है वो उसके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये ट्रिक है ताकि वो अपने व्हाट्सएप को जो है वो चार मुख्तलिफ डिवाइस के ऊपर ऑन कर सकते हैं या चार मुख्तलिफ लोगों को देख सकते हैं कि वो उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चार लोग एक ही व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने इसका मिस यूज़ नहीं करना। तो गाइस, व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर लास्ट के ऊपर एग्री एंड कंटिन्यू है, तो इनके टर्म एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक मोबाइल नंबर दिखाया है कि आप इसके ऊपर व्हाट्सएप बनाना चाह रहे हैं, या नीचे लिखा हुआ है यूज़ अ डिफरेंट नंबर, तो हम जो है वो यूज़ अ डिफरेंट नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, देन ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन लेना चाह रहे हैं तो अलाउ कर दें, अगर नहीं लेना चाह रहे तो डू नॉट अलाउ कर दें। देन कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, अगर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आपका खुद का व्हाट्सएप का अकाउंट बन जाएगा, जबकि आपने किसी दूसरे बंदे का व्हाट्सएप का अकाउंट जो है आपने इस मोबाइल में लेके आना था, या आपका खुद का ही कोई अकाउंट है जो कि दूसरे मोबाइल में है और उसमें भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं और इस मोबाइल में भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप वो वाला व्हाट्सएप इस मोबाइल के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो तीन डॉट लगे हुए हैं, तो आपने इन तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, तो आपने पहला ऑप्शन लिंक एज के ऊपर क्लिक कर देना है, देन ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपना जो प्राइमरी व्हाट्सएप है उसको ऑन करें, ऑन करने के बाद आप ये बार कोड जो है वो स्कैन करें, नीचे स्कैन करने का तरीक़ाकार भी बताया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर बताया हुआ है कि आप जो है वो व्हाट्सएप अगर आपका बिज़नेस है तो आप बिज़नेस के ऊपर ही इसको ले जा सकते हैं, ठीक है, और अगर आपका जो व्हाट्सएप मैसेंजर है तो दूसरा जो है वो व्हाट्सएप मैसेंजर के ऊपर ही आप अकाउंट ले जा सकते हैं। तो ये 14 दिन के लिए जाएगा, 14 दिन के बाद आपको दोबारा से जो है वो एक दफ़ा डिवाइस को फिर से यही स्कैन वाला तरीका करना पड़ेगा तो चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद नीचे तरीका लिखा हुआ है जो कि मैं आगे चल के आपको करके भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से जो है वो ये प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप बिज़नेस ऑन करें, ठीक है, और जिसमें आपका व्हाट्सएप का अकाउंट है प्राइमरी वाला, और उसके बाद आपने मेन्यू में जाना है या आप सेटिंग में भी जा सकते हैं। उसके बाद आपने लिंक डिवाइसेस लिखा हुआ है तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने ये वाला बार कोड स्कैन करना है, ठीक है, तो चले मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। तो गाइज, अभी हमने अपना प्राइमरी व्हाट्सएप अकाउंट जो है उसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ जो तीन डॉट आपको नज़र आ रहे हैं आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिंक डिवाइसेस लिखा हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपने व्हाट्सएप को चार मुख्तलिफ डिवाइस के ऊपर जो है वो ओपन कर सकते हैं, और चार के चार डिवाइस के आपको नाम भी लिखने पड़ेंगे, तो ये नीचे लिखा है लिंक एडवाइस, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आप जिस डिवाइस के ऊपर ओपन करना चाह रहे हैं उसका बार कोड जो है उसको स्कैन करें, ठीक है, देन हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे हमसे परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, परमिशन दे देनी है, कंटिन्यू लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है,
ये हमसे जो है वो हमारे कैमरे की परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको वन टाइम परमिशन देना चाह रहे हैं तो वन टाइम दे दें। तो गाइज अभी आपने अपने बार कोड को स्कैन करना है। आपका जो पहला मोबाइल था जिसके ऊपर आप अपने इस व्हाट्सएप को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास वहाँ पर जो एक बार कोड आपको नज़र आ रहा था ये वाला, तो आपने इसको स्कैन करना है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो ये लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होगा तो आपको डिवाइस का नाम लिखने के बारे में कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, डिवाइस का नाम हम लिखेंगे तो कोई भी एक नाम लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह मैं यहाँ पर जो है वो सुपर लिख देता हूँ। डिवाइस का नाम लिखने के बाद इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइस अभी आपका एक व्हाट्सएप का अकाउंट दो मुख्तलिफ डिवाइस में ऑन हो चुका है। इसको आप चार मुख्तलिफ डिवाइस में ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट की बात बता देता हूँ। जब भी आप अपना व्हाट्सएप किसी को दें तो उसके बाद आप चेक कर लिया करें, आपने क्या करना है, उन तीन डॉट के ऊपर जाना है और लिंक डिवाइस के ऊपर जाना है। तो वहाँ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा, अगर तो कोई भी डिवाइस का नाम सेव हो तो इसका मतलब है कि आपका जो व्हाट्सएप है किसी दूसरे बंदे ने लिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।